नमस्कार मित्रों, आप और आपके बच्चे को लू लगने से कैसे बचाएं। गर्मी में सबसे बड़ी समस्या होती है लू लगना। अंग्रेजी भाषा में इसे सनस्ट्रोक और हीस्ट्रोक भी कहते हैं। लू लगने से सिर दर्द, कमजोरी, सिर टूटना, उल्टी, चक्कर, तेज बुखार या बेहोशी जैसे लक्षण नजर आते हैं। आइए लू लगने से बचने के घरेलू उपाय के बारे में जानते हैं। पहला उपाय ये है कि एक ग्लास पानी में दो चम्मच जेगरी यानी कि 20 ग्राम गुड़ के साथ एक नींबू निचोड़कर उसमें थोड़ा नमक डाल के चम्मच से मिक्स करने, उसके बाद इसे आप पी सकते हैं। इससे आपको शरीर में ताजगी महसूस होगी। दूसरा उपाय है एक ग्लास आम का रस निकाल के उसमें 20 ग्राम गुड़ के साथ थोड़ा नमक डाल के उसको चम्मच से मिक्स करें। इसे आप धूप में बाहर निकलने से पहले और बाहर से आने के बाद पी सकते हैं। तीसरा उपाय है छाछ, यानी कि एक ग्लास छाछ में दो चम्मच जीरा पाउडर मिलाकर उसमें थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स करें। ये आप दिन में 3 से 4 बार खाना खाने के बाद पी सकते हैं। चौथा उपाय है प्याज का जूस। ये प्याज का जूस आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, प्याज का जूस कान के नीचे लगाने से और छाती पर लगाने से शरीर का तापमान कम हो सकता है। दूसरा, एक प्याज का जूस और उसमें एक चम्मच जीरा पाउडर और 3 से 4 बूंद शहद डालकर पीना भी काफ़ी फायदेमंद होता है। ये जूस तेज धूप या गर्मी के दिनों में आपको लू लगने से बचाएगा। तेज धूप या गर्मी के दिनों में इतना करें, गर्मी के दिनों में कम से कम बाहर निकलना चाहिए। अगर फिर भी आपको तेज धूप में बाहर निकलना जरूरी है तो आंखों पर चश्मा लगाकर सिर पर टोपी पहन ले या छाता लेकर बाहर निकले और सूती कपड़ा पहने। तेज धूप या गर्मी के दिनों में आपको खाली पेट बाहर नहीं निकलना चाहिए। गर्मी के दिनों में खूब मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी न सिर्फ आपकी प्यास बुझाता है बल्कि आपके शरीर से विषैले पदार्थों को भी निकालता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।